प्यारे बच्चों, मैं आनंद मोहन सर एसएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल समरपुरा बहरी से कक्षा 3 के छात्रों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पाठ 8 चंद्रशेखर आजाद, जो कि महान क्रांतिकारी थे, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग इस पाठ पर ध्यान दें और इनसे देशभक्ति, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने किस तरह से लड़ाई किया था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। भारत माता की जय, देश के वीर सपूतों की जय, अमर शहीदों की जय। आज हम चारों ओर यह जय जयकार सुनते हैं। क्या आप जानते हैं देश के ये वीर सपूत और शहीद कौन है? एक या दो नहीं, अपितु हजारों में। इन्होंने देश के लिए बड़े कष्ट उठाए, इन्हें कभी कभी रूखा सूखा खाकर भी दिन बिताना पड़ता था। पलक झपकते ही अंग्रेजों की गोली इनके सीने में जा धसती थी। इनके इतना कष्ट झेलने के बाद हमारा देश स्वतंत्र अर्थात आजाद हुआ। इन अमर शहीदों में एक नाम है चंद्रशेखर आजाद का। वे बड़े लीडर, वीर और साहसी थे। केवल 16 वर्ष की उम्र में ही वे एक अंग्रेजी अधिकारी से भीड़ गए। वह अंग्रेज अधिकारी अन्य अंग्रेज सिपाहियों के साथ कुछ देशभक्तों को पीट रहा था। इनके विरोध करने पर पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। इन्हें 15 बेत मारे जाने का दंड मिला। नंगे शरीर पर बेतों की मार पड़ने लगी, चमड़ी उधर गई, मगर धन्य था भारत माँ का वीर सपूत, मुंह से ऊंच तक नहीं निकला। हर बेत पर बोल उठता, भारत माता की जय। आजाद का जन्म सन 1905 में एक गरीब परिवार में हुआ था। ये पढ़ाई और देश सेवा साथ साथ करते रहे। ये सदा अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध लड़ते रहे। एक बार आजाद के कुछ साथी पकड़े गए, उन्हें फांसी की सजा हो गई। 27 फरवरी 1929 को आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। पुलिस को पता चल गया, अल्फ्रेड पार्क घेर लिया गया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। आजाद अकेले थे, अंग्रेज सिपाही अनेक। आजाद का निशाना अचूक था। इनकी गोली से अनेक अंग्रेज सिपाही मारे गए। पिस्तौल में जब तक गोलियां रही, वे चलाते रहे। अंत में आखिरी गोली स्वयं को मार ली, वे शहीद हो गए। पार्क में उस स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। हम इस अमर शहीद को याद करते हैं। भारत माँ के ऐसे सपूतों पर हमें गर्व है। हम उन शहीदों को सत सत नमन करते हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप लोग 2-3 बार पढ़ोगे और इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर हैं, सब मैंने तैयार कर दिया है और इसे ऑनलाइन आप लोगों के पास भेजा जा रहा है। आप लोग अच्छी तरह याद कर लेंगे।